पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये नाम आपने बीते कुछ दिनों से अपने टीवी पर खूब सुना होगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पीएफआई है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और आखिरकार पीएफआई को लेकर देश में इतनी राजनीति क्यों होती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इससे पहले कि हम आपको पीएफआई के बारे में कुछ बताएं, आपको उसके ओरिजिन के बारे में जानना होगा। पीएफआई से भी पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था सीमी। इसका पूरा नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सरकार ने सन 2001 में इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था, साथ ही इसको बैन भी कर दिया था। ये जो सीमी ऑर्गेनाइजेशन था वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर था टेररिज्म जैसी चीजों में, और इसके बैन होने के बाद ही पीएफआई वजूद में आ पाया और ये ऑर्गेनाइजेशन बना कुल तीन और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर, जिनमें थे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और मिनीथा निथि पसराई इन तमिलनाडु। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर पीएफआई को बनाया गया। पीएफआई खासकर की केरला के तीन पार्टीज को हमेशा टारगेट करती है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर। पीएफआई का कहना है कि ये तीनों ही पार्टीज देश और राज्य को बर्बाद कर रही हैं, इसलिए वो इनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब आपको हम बता दें कि पीएफआई कभी इलेक्शन लड़ता ही नहीं, तो आप सोचेंगे कि पीएफआई करता क्या है। पीएफआई का इस सवाल को लेकर कहना है कि जैसे आरएसएस, वीएचपी और हिंदू जागरण वेदी के जो हिंदुओं के लिए काम करती है, वही चीज हम मुसलमानों के लिए करते हैं। लेकिन इन सभी के बीच पीएफआई भारत की सरकारी एजेंसियों को बहुत परेशान करती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर कैसे। परेशान होने के पीछे का कारण ये है कि पीएफआई अपने मेंबर्स का डाटा रिकॉर्ड ही नहीं करती, और इसलिए जब भी कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जिसका लिंक आतंकवादियों से हो, साथ ही पीएफआई के साथ भी हो, तो पीएफआई डिनाई कर देता है कि पकड़ा गया आतंकवादी उनके संगठन से जुड़ा ही नहीं। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि पीएफआई कभी खुद से इलेक्शन लड़ता ही नहीं, लेकिन साल 2009 में पीएफआई से ही एक पार्टी निकल कर आई जिसका नाम था SDPI, जिसका पूरा नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्शन भी लड़ती है। अब आप ये मत सोचिएगा कि SDPI और PFI दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PFI SDPI का ही साथी है, बल्कि चुनाव के समय में PFI SDPI के लिए प्रचार भी करती है। अब हम आपको बता दें PFI की कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, जो कि बड़ी अनोखी और बड़ी गजब किस्म की है। PFI के सबसे ज्यादा विवाद केरला में ही होते हैं। केरला में इनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं कि इन्होंने कई हत्याएं की हैं, दंगे फसाद किए हैं, और इतना ही नहीं, कई बार इनके ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि इनके कई सदस्य आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही पीएफआई के अगेंस्ट में खड़ी रहती है, बल्कि खुद कांग्रेस ने साल 2012 में केरला कोर्ट में कहा था कि पीएफआई कुछ नहीं बल्कि ये सीमी का ही एक रूप है जो बैन किया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा था कि पीएफआई के सदस्यों ने 27 लोगों की जान ले ली है जिनका लिंक आरएसएस और सीपीएम के साथ है, और इस समय राज्य में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। इसके बाद साल 2013 में पीएफआई अपना प्रचार निकालना चाहता था अखबारों में, तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने सभी अखबारों को नोटिस जारी कर दिया था कि कोई भी अखबार पीएफआई का एडवर्टीजमेंट नहीं लेगा। ये सुनकर के पीएफआई सीधा हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां इन्होंने कांग्रेस सरकार की इस कार्य पर जवाब मांगा, जिस पर कांग्रेस सरकार का सीधा कहना था कि पीएफआई लोगों का धर्मांतरण करवाना चाहता है। अब हम आपको भारतीय जनता पार्टी और पीएफआई के रिलेशंस के बारे में बताते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है, उसने कभी भी पीएफआई को बैन नहीं किया है, लेकिन वो मांग करते रहते हैं कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कहना यह भी है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को पीएफआई द्वारा जान से मार दिया गया है, और इसी साल अप्रैल के माह में बीजेपी ने कहा है कि हम पीएफआई के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। और केरला के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि बीते 6 सालों में करीब 24 भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, वो भी पीएफआई के द्वारा। अब हम आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताते हैं कि आखिर एनआईए पीएफआई के बारे में क्या सोचता है। साल 2017 में एनआईए ने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था और बताया था कि हमने अब तक जितना भी पीएफआई के बारे में जाना है, उस हिसाब से इतना पता चलता है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। साथ ही एनआईए का कहना यह भी था कि पीएफआई धर्मांतरण करवाने पर ही जोर देती रहती है। साथ ही सितंबर महीने की शुरुआत में एनआईए ने करीब 40 जगहों पर रेड किया था, और उन जगहों का लिंक भी कहीं ना कहीं पीएफआई के साथ जुड़ा हुआ था। साथ ही एनआईए का कहना यह भी था कि पीएफआई द्वारा कई कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि वहां पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग दी जा सके। जी हाँ, हालांकि ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि जब देश की इतनी बड़ी एजेंसी इस तरह के दावे कर रही है, तो पीएफआई पर उंगली उठना
तो जायज है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, PFI एक आतंकवादी संगठन है या फिर देश में अमन और शांति लाने वाला एक संगठन, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।